और दोस्तों कल मतलब संडे सुबह 9 बजे हम दोनों की शादी का सेकेंड वीडियो अपलोड होगा, तो पक्का याद से देखना शाम 9 बजे ग्लैडिएटर डांस क्लासेस के चैनल पे। मैं चाहता हूँ मतलब अपलोड होते से एकदम खतरनाक व्यूज़ आए। आप लोग ब्लॉग भी देखना, पर उसके साथ साथ आपको डांस का वीडियो भी देखना है पक्का। और देखो आप लोग व्यूज़ दे रहे हो, उसे लाइक भी कर दो यार, लाइक करो, कमेंट करो, उसे शेयर करो। आप लोग भी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए वीडियोस को जा रहे 50,000 व्यू, 60,000 व्यू और कमेंट जा रहे 150, 200, भारी कमेंट आना चाहिए एकदम भारी। अरे आप लोगों के हाथ में, तो पक्का कल वीडियो देखना है आज से शार्प 9 बजे ग्लैडिएटर डांस क्लासेस के चैनल पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा चटर पटर खाने। शिवानी का बोलना था कि आज थोड़ा बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं। बोला चलो, चलो तो मैं और शिवानी जा रहे हैं क्योंकि नायरा सोई हुई है, दिन भर से बहुत तकलीफ थी उसने, वो सोई नहीं रही थी। तो पूजा अभी बोले कि आप दोनों जाके और हमारे लिए पार्सल लेके आना, क्योंकि अभी नायरा का ऐसा हो गया ना, बहुत किधर बैठी नहीं, खतरनाक काम हो पूरा गया। दिन नहीं सोती, पूरा दिन उसको मस्ती करना होगा कार। अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है जिद्दी भी हो रही है नायरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले किधर जाना है, पानीपुरी। पानी पूरी। चलो, और अभी हम लोग आए हैं डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने। ऑल टाइम फेवरेट। देखो पूजा भाभी सही बोलते हैं, मैं कब भी खाता नहीं था, पर शादी के बाद आदत लगा दी मैडम ने, पिज्ज़ा खा रहा हूँ। और क्या क्या मंगाया है, खीर खा रहा हूँ, खीर खा रहा हूँ, रसगुल्ले भी खा रहा हूँ। सब टेस्ट कर रहा हूँ, खा रही हूँ, पर ठीक है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है ना। आओ आओ आओ, हमारे सामने पिज्ज़ा पेश करो करो करो। क्या क्या है, बटर स्मूच पिज्ज़ा और सेवन पिज़्ज़ा, कौन सा है ये? नहीं, रेगुलर, क्योंकि सब्जियां हम आप खाते नहीं हो। और अभी हम लोग गणेश कॉलोनी में आए पानीपुरी खाने। मैंने मीडियम दिया है, मैडम ने तीखा लिया है क्योंकि उसको तीखा ही पसंद है। अच्छा है पानीपुरी। और पानीपुरी खाने के बाद हम लोगों ने लिया है गोला, पूरे अपोजिट है हम, मैंने मावा गोला लिया, इसने सादा गोला लिया। और हमने तो बाहर चटर पटर खा लिया मस्त, अभी हम घर पे ले जा रहे पार्सल फ्राइड राइस। और अभी हम लोग बाहर से खाना खा के आ गए घर पे, सब के लिए पार्सल लेके आए, और ये एक पार्सल भी साथ में लेके आए हम। जी पापा, डनक डन डनक टन डनक डन डनक डन 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 डन। और अभी हम लोग सब जो जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, 10:30 बज गए, पता नहीं अब मिलता है नहीं, पर राउंड तो मार के आ जाएंगे ना। यस करके बताओ, यस यस कैसे कैसे पापा बताओ, यस कैसे करना, यस कैसे करना, नारा नारा यस कैसे, यस 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 कर, यस कर, यस यस यस, येलो 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 येलो, आई लव गुड। और अभी हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए डेरी डॉन, डेरी डॉन, डेरी डॉन, डेरी डॉन, डेरी डॉन, डेरी डॉन। किधर जा रही है, कहाँ जा रही है? बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो। उसे ऊपर चढ़ना है अभी। सच्ची 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 तब ही आना है ना। देख देख देख, तो भूखू आ रहा है। मैंगो मस्तानी पूजा भाभी ने ऑर्डर किया। भाभी सबने क्या क्या ऑर्डर किया बता दो एक बार। सब हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करते हैं, लेकिन भैया अपने जगह पे गुलकंद को कभी नहीं छोड़ते। गुलकंद आइसक्रीम को बुरा लगेगा ये सोच के वो हमेशा गुलकंद ही ले। हाँ, और कौन कौन क्या क्या लेने वाला है? देखो ये मेरा गुलकंद, ये लो, ये समझ ही गए होगे आप,
डार्क बेल्जियम, ये हमेशा कड़वा खाने वाली शिवानी। पापा ने राजभोग लिया है और अखिल भैया ने अभिषेक लिया है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी एकदम खतरनाक हाइट ऐसी हुई कि भाभी बोले सबको अभी चलो चलते चलते खाते हैं, और हम बिल देना भूल गए। अभी बिल के लिए रिटर्न आ गए। देखो ये लेडीज़ लोगों का काम, कल डीमार्ट से शॉपिंग की और अभी बोले हाथों हाथ ले लेते बोले सब लोग। ये क्या है ये, बाद में भी ले सकते थे ना एक ट्रॉली में। ये देखो मेरा, ये तो है, ये देखो इसको लिया और सबके हाथ में। भाभी वो देखो उधर से ले रही है, ये मेरे हाथ में, पप्पा के हाथ में। तो देखो पप्पा, देखिए संसार, ये संसार संताप है संताप। देखो है ना, नायरा को एकदम थोड़ी सी खरोच चाहिए, बट वो कैसे बताती है। देखो नायरा किधर लगा बेटा, बता किधर लगा, बता बताओ बताओ बता बताओ किधर लगा, बता बताओ। अरे बाप रे किधर लगा बताओ। उधर देखो, इधर इधर देखो, इधर लगा, इधर किधर लगा आपको बताओ। हाँ बाप रे, हाँ ज़्यादा ज़ोर से लगा नायरा। उसको ना मिल ही नहीं रहा है वो किधर लगा है। ये देख इधर लगा है तुझे, मैं बताता हूँ। ये देख ये लगा है, देख तुझे, ये देख ये इधर लगा थोड़ा सा है ना। हाँ नायरा किधर लगा बताओ, बताओ। तो उसको टर्न ही नहीं लेते आ रहा है। उसको है ना पैर से टर्न ही नहीं लेते आ रहा है, बताते ही नहीं आ रहा है। ये देखो ये ऐसे ऐसे बताना ऐसे। हाँ ये देखो, हाँ ऊपर मेरे को बराबर बताया तूने। हाँ अभी बताते नहीं आ रहा है, बताओ किधर लगा नायरा। अरे अरे हाँ नायरा की मस्ती दिन पे दिन बहुत खतरनाक होते जा रही है। अभी देखो सब मुझे बुलाई गया, वो बुला किसको बुलाना है, कौन बुला, चाचा आजा ऐसा है कि इधर बिठो, किधर बैठू सर, ये कॉर्नर पे ही बिठाना है सबको, पूरे फैमिली को बिठाना है इसको, और ढकेल देती हमको फिर बाद में। हाँ आ गए अभी क्या है। हाँ देखो पप्पा भी आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, जगह कहाँ है, कहाँ बिठाना है, कहाँ बिठाएगी तू। अरे नहीं 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 नहीं, कितना प्यारा आजा बोलती हो, सब आ जाएंगे। देखो हमें एक छोटा सा तोहफा मिला, एक कॉइन आया, तोहफा 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 ले आ ले, क्यूट सा तोहफा आया हमारे साथ घर पे आज, क्यूट सा तोहफा आया। अब टफी की जिम्मेदारी उठाई है शिवानी ने। भैया तो एज यूजुअल करते नहीं थे, वो बस प्यार करना जानते, वो बस प्यार करना जानते भैया, बाकी तो अपने को ही करना है सब। नहीं जब टफी बीमार था तो भैया ने बहुत केयर की थी उसे। हाय टफी। एक्चुअली ये काम मम्मी करती है टफी को खाना देने का, बिकॉज मैं डरती हूँ अभी भी टफी से। तो मैं कभी इमरजेंसी में मैंने इसको खाना दिया है। और अखिल खाना खाते खाते हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, हमेशा। सॉरी ये गलत चीज़ है, बट अब नहीं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये अभी अभी नहीं देखेंगे, फिर शाम को वही चीज़ होगी, फिर शाम को मैं वही चीज़ बोलूँगी कि अखिल तुम खाना खाते खाते मोबाइल देखते हो। ये बहुत गलत चीज़ है, मेरे को पता है, बस अभी वो कुछ आया था इसलिए मैं देखा, ऐसे वक्त नहीं देखता हूँ। जान लो सबसे मेन चीज, आप लोगों ने जो मेरे बारे में लिखा है ना बहुत अच्छे, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। सुनना बोलने दे, इतना अच्छा लगा ना यार, इतना अच्छा लगा, मतलब थैंक यू यार। मुझे नहीं पता हम लोग आपके कैसे दिन बनाते हैं, हमको देख के आप कितने खुश होते हो, बट आपके कमेंट्स देख के हम लोग सच में बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब वैसे लगता है यार सातवें आसमान पर पहुँचा देता हूँ आपको। और देखो मुझे ना सब लोग बहुत लोग ये कमेंट्स देखने का देना, सब लोग क्या बोल रहे पता है पूछा कि आप वीडियो के लिए तरसाओ मत। अरे यार हम लोग क्यों तरसाएंगे, हम लोग के पास ही वीडियो नहीं आ रहे हैं। आपको एडिटिंग के लिए 4 से 5 कैमरे से वीडियो शूट हुआ है, और वो जो टीम थी वो जयपुर की टीम थी, बोलोगे ना एक एक वीडियो एडिट करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, उसमें रेंडरिंग को ले लगाते हैं, और 3 से 4 कैमरे से शूटिंग की है, फिर वो हम लोग को भेजते हैं, और फिर हम लोग चारों पांचों लोग देखते हैं, फिर हम लोग करेक्शन बताते हैं ये ऐसा नहीं ऐसे था, ना उसका बताते हैं, फिर दिक्कत बताते हैं, उनको समझाते हैं, उसमें एक दिन जाता है सब लोग वीडियो चेक करने में।
मतलब वो भी अपना 100% देते हैं ऐसा है, बट हमारे एक माइंडसेट होता है कि नहीं हमको इस तरीके से वीडियो चाहिए। अभिषेक सर वगैरह 102% देते हैं ऐसा है, बट हम लोगों को रहता है ना कोई कोई चीज़ हम लोगों के हिसाब से भी ये चाहिए तो चेंज करने भेजते हैं, फिर वो सर उनके हिसाब से फिर से चेंज करते हैं, फिर से एक देते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है ना कि हर वीडियो को अपन एटलीस्ट एक हफ्ता तो भी देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वीडियो ही नहीं हो रहा है इसीलिए लेट हो रहा है वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग के पास वीडियो रेडी है और हम लोग नहीं डालते, ऐसा तो होगा नहीं यार। हम लोगों को भी चाहिए कि हम तो ऐसे चाहिए बस ऐसे कि हमें आपको 100% देना है यूट्यूब पे, आपको भी पसंद आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा यार हम लोग फटाफट ऐसे ही लेके डाल देंगे तो क्या मजा आएगा। और ऐसा होना चाहिए ना कि वीडियो डालने का कमेंट्स अच्छे होंगे, ये होगा, वायरल होगा, सब लोग देखेंगे, तो उसके लिए सबके जैसी मेहनत भी तो करना पड़ेगी ना यार। बस बाकी कुछ नहीं, आप तो इतना प्यार दे रहे हो, बस एक हफ्ता है पर एक हफ्ते में हम लोग तो इतने बार तो मिल ही लेते हैं, और मैं कितना बोलता हूँ ना बहुत सर। और फिर से एक बार थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए, ऐसे ही यार करो बहुत अच्छा लगता है। आओ खाना खाने, सबसे पहले खाइए खाइए। अभी ये नायरा की फ्रेंड आई है और नायरा उसको रोटी देगी, रोटी दे दे बेटा दो बुबू को, हाँ ये लो ये भी रोटी दो नायरा दो। नायरा ने ऐसे टुकड़े कर करके देती है उसको, देखो ये ऐसे टुकड़े करती है रोटी के और वो टुकड़े कर करके उसको देती है डेली, हाँ डेली ये आती है और नायरा के हाथ से खाती है, देखो लो फिर ऐसे नायरा टुकड़े करके देगी और ये खाते रहेगी। ले